भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 22 सितंबर से वनडे सीरीज का आगाज हो रहा है। सीरीज का पहला मैच मोहाली में खेला जाएगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई फैंस के लिए बुरी खबर है, ग्लेन मैक्सवेल और मिचेल स्टार्क पहले वनडे से बाहर हो गए हैं। स्टार्क चोट से पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं, इस वजह से उन्हें आराम दिया गया है। वहीं मैक्सवेल भी चोटिल थे। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच हालिया सीरीज में भी ये खिलाड़ी देखने को नहीं मिले थे। ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस ने भारत के खिलाफ मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक खबर के मुताबिक कमिंस ने कहा, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं और कलाई पूरी तरह ठीक हो गई है। मुझे लगता है कि मैं तीनों मैच खेल लूंगा, स्टार कल नहीं खेलेंगे। उम्मीद है कि वो अगले मैच में हिस्सा होंगे। यही बात मैक्सवेल के साथ भी है। हम विश्व कप से पहले टीम को बैलेंस करने की कोशिश में हैं। उन्होंने स्टीव स्मिथ को लेकर भी अपडेट दिया। कमिंस ने कहा वो पूरी तरह ठीक हैं और कल खेलेंगे। उनकी कलाई में दिक्कत थी लेकिन अब 100% ठीक है। गौरतलब है कि स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के अहम गेंदबाजों में से एक हैं। उन्होंने 110 वनडे मैचों में 219 विकेट लिए हैं। वहीं भारत की बात करें तो भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल बतौर ओपनर नजर आ सकते हैं। इसके बाद नंबर 3 पर ईशान किशन बल्लेबाजी करते दिख सकते हैं। इसके अलावा मिडिल ऑर्डर में केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव जैसे खिलाड़ी होंगे। रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर के तौर पर खेलेंगे। टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में रवि अश्विन को भी मौका मिल सकता है, जबकि मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह जैसे तेज गेंदबाज प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि मोहम्मद सिराज पहले वनडे मैच में टीम इंडिया के प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे। दोनों टीमों के प्लेइंग 11 पे आपका क्या मानना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होती है तो लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव को।